मैं हाल ही में मुंबई के फोर्ट इलाके की सड़कों पर घूम रहा था और मैंने एक बहुत ही अंतरालिंग नाम वाली मेंशन देखी, रेडी मनी मेंशन। अब हवेली तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह रेडी मनी वास्तव में क्या है? इस बारे में और जानने के लिए आइए 18वीं सदी के शुरुआती दिनों में चलते हैं, जब एक पारसी परिवार मुंबई आया और उसने ओपियम के व्यापार में खूब नाम कमाया। यह परिवार इतना धनवान था कि जब भी किसी कारणवश यहाँ की ब्रिटिश सरकार को किसी धन की आवश्यकता पड़ती थी, वे इस परिवार में आएंगे और उन्हें हमेशा आवश्यक राशि मिलेगी। अब क्योंकि इस परिवार के पास देने के लिए हमेशा पैसे थे, अंग्रेजों ने उन्हें रेडी मनी की सोब्रिकेट दी, क्योंकि उनके पास हमेशा पैसा इजी पीजी से उपलब्ध रहता था। और सर कावसजी जहांगीर रेडी मनी का कार्यालय था, जो एक ही परिवार के थे। यदि आप इस मेंशन को करीब से देखेंगे तो आप मोनोग्राम के रूप में लिखे उनके इनिशियल सीजे को देख पाएंगे। अगर मैं आपको अंदाजा दूं कि यह परिवार कितना समृद्ध था, तो इस मेंशन के वास्तुकार जॉर्ज विटेक थे, और ये वही शख्स है जिसने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। सर कोवासजी जहांगीर रेडी मनी और उनके परिवार के पास मुंबई शहर की कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी, एल्फिंस्टन कॉलेज बिल्डिंग, मुंबई यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन हॉल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की बिल्डिंग और भी बहुत कुछ। साथ ही सर रेडी मनी ने दान के रूप में दो दिलचस्प फव्वारे दान किए, एक सेंट थॉमस कैथेड्रल में उनके घर के बहुत करीब है और दूसरा लंदन के रीजेंट्स पार्क में है। यदि आप लंदन में किसी से भी पारसी फाउंटेन या रेडी मनी ड्रिंकिंग फाउंटेन के बारे में पूछें, तो वे आपको इसी स्थान पर ले जाएंगे। तो आज हमने एक मनोरंजक जानकारी के साथ यह अंग्रेजी के शब्द सीखें। अंतरालिंग मतलब दिलचस्प, मेंशन मतलब हवेली, ओपियम मतलब अफीम, इजी पीजी मतलब आसानी से, सोब्रिकेट मतलब उपाधि। इसी तरह मनोरंजक तरीकों से अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें www.11minutesdaily.com।